बोली तो इसकी चढ़ेगी, आखिर बचेगा कब तक? मेरे कहर से और हम सबके जहरीले जहर से। दुपट्टे से नहीं होगा, किसी को बुला के लेके आइए। यहाँ तो कोई नहीं है, किसे बुलाऊं? बस एक बार ये जहर छू जाए, फिर इस राजमहल का सर्वनाश तय है। हमारा विष मौत की परछाई बनकर इस राजमहल का सर्वनाश कर देगा। बधाई हो बहनों, राज परिवार के वंश का सूर्य अस्त होने वाला है। कुवरसा, ये लीजिए, इसे पकड़िए। कोशिश कीजिए कुंवर साहब। माता रानी, अब बहुत हो गया, आपको मेरा साथ देना ही होगा। जय माता दी।
आप ठीक तो है ना कुंवर साहब? मैं किसी डॉक्टर या वैद्य को बुलाऊं? नहीं, आई एम फाइन। बस वो थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक, मेरा मतलब वो थोड़ी घुटन सी हो रही थी, इसलिए तुमने जो आज मेरे लिए किया ना वो। कहाँ हैं आप विराज? कुंवर साहब कहाँ हैं आप? अरे बाप रे बाबा, भाग सितारा भाग। सितारा कहाँ चली गई? ओह माय गॉड, विराज! विराज, क्या हुआ था आपको? आप ठीक हैं? या। थैंकफुली मैं टाइम पे आ गई। आपको कहीं लगी तो नहीं? आप ठीक हैं ना? या। कुंवर साहब, आप ठीक हैं? कुंवर साहब यहाँ? कैसे राजगुरु? वो मैं इस गड्ढे कैसे राजगुरु, यहाँ एक बहुत बहुत गहरा गड्ढा था, मैं उस गड्ढे में गिर गया। What? और जब मैं बाहर आने की कोशिश कर रहा था तो कोई मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था। बट हाउ इज इट पॉसिबल? रिलैक्स विराज, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ आपको, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, यू आर ऑल राइट। वर्षा, दरअसल राजमहलों में दुश्मन से बचने के लिए ऐसे कई गड्ढे और सुरंगों का निर्माण किया जाता है, उनमें से कई गुप्त हैं और उनकी जानकारी न होने से वहां आपको हानि पहुंच सकती है, इसीलिए दक्षिण द्वार के आसपास आना वर्जित है। वर्षा, मेरी आपसे एक विनती है, आप दक्षिण द्वार की सीमा के आसपास नहीं आए तो बेहतर है। जी। कुलदीप, अब कुंवर साहब को सही सलामत उनके कक्ष में पहुंचा दीजिए, मैं राजा हुकुम को इसकी सूचना देता हूं। कुंवर साहब, राजकुमारी नेत्रा, आइए। बच गया, इस बार बच गया, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस राज परिवार के वंश की मौत मेरे हाथों होगी, वृंदा से और वृंदा के विष से ना तो आज तक कोई बच पाया है और ना ही बच पाएगा। राज परिवार के एक एक सदस्य को मैं घोट घोट के मारूंगी। कुलदीप जी, नेत्रा तुम चलो, मैं आता हूं। कुलदीप जी, मैं दक्षिण द्वार अपनी मर्जी से नहीं गया था, वो दरअसल मैं सितारा को रोकने गया था। सितारा दक्षिण द्वार की तरफ जा रही थी और मैं उसे रोकने के लिए जा रहा था कि तभी मैं उस गड्ढे में गिर गया और सितारा ने ही मुझे उस गड्ढे से बाहर निकाला। फिर पता नहीं सितारा कहाँ चली गई थी। और कुंवर साहब, मेरी विनती है आपसे, इस बात का जिक्र किससे मत कीजिएगा, किससे मत कहिएगा कि सितारा ने आपको बचाया। क्यों? कुंवर साहब, अगर किसी को भी पता चल गया कि सितारा दक्षिण द्वार की तरफ गई थी, हजार सवाल पूछेंगे उससे। नादान है, क्या जवाब देगी वो? Don't worry.
मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। कैसे समझाऊं अब सितारा को कि उसका दक्षिण द्वार की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं है। छबीली, अपनी पूरी शक्तियां लगाओ छबीली, कोशिश करो छबीली, कुछ लोगों को जरूर पता चलेगा। नहीं वृंदा दीदी, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अपनी सारी शक्तियां लगाने के बाद भी मैं इस बात का पता नहीं लगा पा रही कि उस राजवंश के चिराग को किसने बचाया, ऐसा कौन था या क्या था जिसने हमारी शक्तियों को काट दिया। मैं कोशिश करती हूँ। नहीं दीदी, मेरे जल में भी इसकी कोई छवि नजर नहीं आ रही। दीदी, मेरी अग्नि के पवित्र ताप से कोई नहीं बच पाया है। मैं कोशिश करती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम विश्वकन्याएं कमजोर पड़ गई। एक मनुष्य के मंत्र और सिद्धि के सामने हम कैसे हार सकती हैं? हमें जानना होगा कि वो कौन है जो राज परिवार के वंश को हमारे विष से बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बचाने दो। आखिर हमारे विष से कब तक बचाएगा? क्योंकि राज परिवार का विनाश मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। विराज और राजकुमारी नेत्रा के सारे गुण मिलना, उनका विराज को मुसीबत से बचाना, इस बात का संकेत है कि राजकुमारी नेत्रा ही विराज की ढाल बनने योग्य हैं। वो बखूबी हमारे विराज की और इस वंश की रक्षा कर पाएंगी। राजा हुकुम। राजगुरु, क्या देखा आपने? राजा हुकुम, आप विराज जी और राजकुमारी नेत्रा के विवाह की तैयारियां शुरू कर दीजिए। आज के हादसे के बाद कुछ पल के लिए हम अशांत हो गए थे, लेकिन राजकुमारी नेत्रा का साहस और फिर इन कुंडलियों का मिलना, अब हम निश्चिंत हो गए हैं। इस विवाह के बाद विराज जी को कोई भी बुरी शक्ति हाथ नहीं लगा सकती ता उम्र, क्योंकि राजकुमारी नेत्रा ही विराज जी का सुरक्षा घेरा होंगी। उत्तम, अति उत्तम, चलते हैं। राजगुरु, डैड मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार नेत्रा से बात करना चाहता हूं। उससे बात किए बिना मैं हाँ नहीं कहूंगा। विराज, बात क्या करनी है? आई मीन, आप और नेत्रा बचपन के दोस्त हो, सो आई एग्जैक्टली हम दोस्त हैं और आप हमारी शादी की बात कर रही हैं। इट्स डिफरेंट, लाइफ टाइम कमिटमेंट है। मैं जबरदस्ती उसे किसी रिश्ते में बांधना नहीं चाहता हूँ। और आप ही तो कहती है ना
रिश्ते प्यार से बनते हैं, अधिकार से नहीं, राइट? चलिए ठीक है युवराज, जब इतनी बड़ी बात आपने बोली दी है तो चाहिए जाकर मिल लीजिए नेत्रा से, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये रिश्ता हमारी तरफ से हाँ है, अब आगे जो भी फैसला लेना है आप दोनों को मिलकर लेना है, ओके? ऑलराइट। नेत्रा, आई होप तुम अपनी मर्जी से इस रिश्ते के लिए हाँ कर रही हो। ऑफ कोर्स विराज, आई मीन बेस्ट फ्रेंड अगर लाइफ पार्टनर बने तो उसे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। एंड यू नो व्हाट, आई एम फीलिंग रियली लकी कि मुझे आप मिल रहे हो। परफेक्ट देन। तो अगर सबने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया तो आई गेस मुझे भी हाँ कर देनी चाहिए। रियली थैंक यू सो मच विराज, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। कूल, तो घर पे चल के सबको बता दें। श्योर विराज। अब विराज, सॉरी, आई रियलाइज मैं अपना फोन टेबल पे रख के आ गई हूँ। आई फॉरगॉट इट। ओह, आप चलिए मैं लेकर आती हूँ। यू श्योर? या गो। ओके। फोन कहाँ गया मेरा? यहीं तो रखा था। कहाँ गया मेरा फोन? इसे ढूंढ रही हैं आप? जी, इसे ही ढूंढ रही हूँ। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सम्राट। जैसा तुमने प्लान किया था सब कुछ बिल्कुल वैसा हुआ है। होना ही था, आफ्टर ऑल शतरंज की ये बिसात हमने मिलके जो बिछाई है, और हर मोहरे ने अपना काम बखूबी निभाया है। Exactly. भले ही वो तुम्हारे नकली कुंडली बनवाना हो। या फिर विराट से झूठे प्यार का इजहार। या फिर ये शादी। और शादी होते ही रतन प्रताप सिंह की सारी दौलत और प्रॉपर्टी विराज की हो जाएगी। और फिर वो सारी प्रॉपर्टी मेरी। होल्ड ऑन, सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी इक्वली होगी। ऑफ कोर्स। बहुत सर झुका कर जी लिए भाई साहब, और बहुत कर ली जी हजूरी। अब बस आप देखते जाइए कि किस तरह से हम सब मिलकर आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। सही का, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। रतन प्रताप सिंह की बर्बादी का बिगुल बज गया है। All right guys, so let's celebrate this new beginning.